नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। खबर रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के भानस ओपी का है, जहां वाहन चोरी में पकड़ा गया युवक हिरासत से चकमा देकर फरार हो जाता है। मामला दिनारा के भानस ओपी क्षेत्र के गोपालपुर गांव के पास मंगलवार की शाम चोरी की बाइक लेकर भाग रहे एक अपराधी को ग्रामीणों के सहयोग से भानस पुलिस ने मौके पर पहुंचकर धर दबोचा। वहीं गिरफ्तार अपराधी बक्सर जिला के इटाढ़ी थाना अंतर्गत हकीमपुर निवासी विनोद गुप्ता का पुत्र अविनाश गुप्ता उर्फ सूरज बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार वह सासाराम के सदर अस्पताल से बाइक चुरा कर भाग रहा था। भागने के क्रम में दिनारा बराव पथ पर गोपालपुर गांव के समीप पुलिस की खड़ी गाड़ी देख बाइक छोड़ भागने लगा। भागते हुए देख मोटरसाइकिल चोर को आसपास के लोगों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। जब उसे भानस ओपी पुलिस को ग्रामीणों के द्वारा पकड़कर सौंप दिया गया। इधर इस मामले में भानस ओपी के थाना अध्यक्ष ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। युवक की गिरफ्तारी की गई थी बाइक चोरी में, वो कैसे फरार हो गया? उसको हाजत में रखा गया था, हाजत में चौकीदार सुबह 11 बजे करीब, 11 बजे। एक मिनट सर, कितने बजे युवक पकड़ा गया था सर? कहाँ से पकड़ा गया था? पकड़ा गया था गोपालपुर से। गोपालपुर से सर पकड़ा गया था, बाइक चोरी में पकड़ा गया था सर ना? हाँ, चोरी के बाइक के साथ पकड़ा गया था। अच्छा, चोरी के बाइक के साथ पकड़ा गया था सर। तो थाना से भाग गया है सर, कैसे भाग गया? वही बता रहे हैं ना। हाँ, कि मेरे भाना चौकी में नहीं है बाथरूम, शौचालय नहीं है। अच्छा, आपके ऑफिस में शौचालय नहीं है? नहीं, और भानस एक एक कैंपस में दिनारा और भानस है। हाँ हाँ, तो सर कैसे भाग गया? ये दिनारा थाना शौचालय में ले गया था, तो वही खिड़की से भाग गया। मतलब खिड़की से शौचालय का टूटा हुआ था? शौचालय की खिड़की में खिड़की जरा तोड़ के भागा है वही। अभी क्या कर रहा है उसको, रड लगवाओ। आया मिस्त्री, बोलो। तो सर खिड़की तोड़कर भाग गया ना? हाँ, अभी फिलहाल उसकी पता नहीं चल पाया सर ना? अभी पता नहीं चल पाया। कल दिन भर उसमें परेशान थे, वो है इटाढ़ी थाना क्षेत्र का जी, हकीमपुर गांव है। हकीमपुर? हाँ सर, क्या नाम है उसका? नाम है अविनाश गुप्ता उर्फ सूरज, गांव घर में उसको सूरज के नाम से ही सब जानता है। जैसे कि अभी आपने भानस ओपी थाना अध्यक्ष उपेंद्र नारायण यादव से सुना, उनका कहना है कि अपराधी को भानस पुलिस ने बुधवार को शौच के लिए दिनारा थाना भवन के हाजत के शौचालय में ले गया, जहां से अपराधी सबको चकमा देकर फरार हो गया। शौचालय से फरार होने की घटना पूरी तरह जिले में आग की तरह फैल गई। पुलिस इधर लगातार अपराधी को पकड़ने के लिए जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। इधर थाना अध्यक्ष ने बताया कि भानस ओपी के भवन में कोई शौचालय नहीं होने से इसीलिए दिनारा थाना के भवन में अपराधी को शौचालय के लिए ले जाया गया, जहां से अपराधी खिड़की तोड़कर फरार हो गया। उम्मीद है जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तमाम ऐसे ही खबर देखने के लिए आप बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। मैं सोनू कुमार, धन्यवाद।